1830 में आज के दिन समाज सुधारक राजा राम मोहन राय इंग्लैंड के लिए रवाना हुए थे। 1884 में आज के दिन अफ्रीका महाद्वीप में यूरोपीय देशों के बीच उपनिवेशों को बांटने के लिए जर्मनी की राजधानी बर्लिन में कॉन्फ्रेंस आरंभ हुई। 1920 में आज के दिन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में लीग ऑफ नेशंस की पहली बैठक आयोजित की गई। 1949 में आज के दिन महात्मा गांधी की हत्या के दोषी नाथुराम विनायक गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे को फांसी दी गई। 1955 में आज के दिन पोलैंड और यूगोस्लाविया के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 1961 में आज के दिन संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हथियारों पर रोक लगाई थी। 1982 में आज के दिन भूदान आंदोलन चलाने वाले आचार्य विनायक नरहरि भावे उर्फ विनोबा भावे का पुनार आश्रम में निधन हुआ था। 1986 में आज के दिन देश की महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का जन्म हुआ। 1989 में आज के दिन सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के कराची में टेस्ट क्रिकेट में खेलना शुरू किया। 1989 में आज के दिन फ्रांस ने मौरा द्वीप में परमाणु परीक्षण किया था। साल 2000 में आज के दिन झारखंड भारत का 28वां राज्य बना।